Very, very good morning to all of you. This is Ruhi Malik before of you. Welcome to my YouTube channel Mathematics and English Mantra. Guys, जैसे कि आज है 13th of July 2018, मतलब 13 जुलाई 2018, तो 13 जुलाई 2018 से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो फुल डिटेल्स में आपको कराऊंगी. सो और लास्ट में एक क्विज का क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो उसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में. तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. और कल की जो क्विज का विनर है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किसने सबसे पहले आंसर दिया था. तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का 69वां शेयरधारक बना है. ओके, तो ये कौन बना है 69वां, वो बना है हमारा भारत, इंडिया. ओके, इंडिया 69वां बना है. तो अभी ये भी पूछ सकता है कि इंडिया ने इसके लिए अप्लाई कब किया था. ठीक है, तो अप्लाई किया था 2017 में इंडिया ने अप्लाई किया था. ओके, अभी इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन से कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब EBRD, इसकी छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है. तो EBRD की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एशिया कप तीरंदाजी में भारत कौन सा स्थान पर रहा है. तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर. ओके, और पहले स्थान पर भी हमसे पूछ सकता है कि पहले पे कौन रहा है और सेकंड पे कौन रहा है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में बोलती हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है कोरिया, एंड सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है तालिबान. ओके, फर्स्ट पे कोरिया, सेकंड पे तालिबान. ये आप लोग क्या करना, नोट डाउन कर लेना. अभी ये भी पूछ सकता है एशिया कप जो तीरंदाजी हुआ है ये हुआ कहाँ है. तो ये हुआ है जो सेकंड पे हमारा था, क्या था, तालिबान. तो तालिबान के ताइवे जिले में हुआ है. अभी तालिबान की बात कर लेते हैं, तालिबान की कैपिटल क्या है, वो ताइवे है. ओके, ताइवान की करेंसी क्या है, तो न्यू ताइवे डॉलर. ओके, एंड अभी यहाँ पे ये निकलता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पे भारत है, तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं. तो एक सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल हमारे इंडिया ने जीते हैं. तो टोटल कितने जीते हैं, 4 मेडल जीते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, हाल ही में सशस्त्र संग्रहालय में बच्चों की रक्षा के लिए प्रस्ताव को किसने अपनाया है. तो ये अपनाया है UNSC. ठीक है, UNSC. अभी यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि UNSC की फुल फॉर्म क्या है. ओके, सो इसकी फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अभी इसकी बात हुई है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई है. तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में. तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड स्थापना दिवस कब मनाया गया है. तो ये मनाया गया है 12th of July, यानी कि आज है 13th of July, मतलब 13 जुलाई है, तो ये यस्टरडे मनाया गया था. ओके, तो ये अभी ये भी पूछ सकता है कि ये जो 2018 में मनाया गया है, ठीक है, ये इसका कितने वां स्थापना दिवस था नाबार्ड का. सो नाबार्ड का ये 37वां स्थापना दिवस था. ओके, आपको ये चीज भी याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है. नाबार्ड की फुल फॉर्म में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. अभी नाबार्ड की बात आई है तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है. नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12th जुलाई, मतलब 12th को ही मनाया गया है. तो 12th जुलाई 1982 में हुई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है, RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दी है. तो ये दी है एयरटेल पेमेंट बैंक को. ओके, अभी ये पूछ सकते हैं हमसे कि पेमेंट बैंक इंडिया में टोटल कितनी पेमेंट बैंक है. तो इंडिया में टोटल पेमेंट बैंक है 4. ओके, सो सबसे पुरानी कौन सी है ये भी पूछ सकता है. तो सबसे पुरानी है एयरटेल पेमेंट बैंक. ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में पूछ सकता है, एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी. तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई है 2016 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. ओके गाइस, सो आइडिया स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन. न्यू क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. तो ये किए हैं SBI ने. ओके, SBI के चेयरमैन की बात करें तो SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार. ओके, SBI के हेडक्वार्टर की बात करें तो SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में. ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में HDFC सिक्योरिटीज ने किसके साथ म्यूचुअल फंड लेन देन सक्रिय किया है, मतलब सक्रिय किया है. तो ये किया है
फेसबुक मैसेंजर के साथ में किया है, ओके, एचडीएफसी के ने किया है, तो अभी एचडीएफसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। एंड एचडीएफसी के हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड इसके चेयरमैन है आदित्यपुरी। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने अन्ना कैंटीन लॉन्च की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन ये बन रहा है कि अन्ना कैंटीन होती क्या है। तो अन्ना कैंटीन, जिस कैंटीन में पर प्लेट 5 रुपीज मिलेगी, ठीक है, जो हम लोगों के लिए मतलब बनाई गई है कि उस कैंटीन में एक प्लेट 5 रुपए की होगी, ठीक है, एक टाइम का खाना। ओके, सो किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ओके, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ओके, पहले एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था मैंने पहले भी, आंध्र प्रदेश की जो भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है, वो आंध्र प्रदेश का हुआ है। ये क्वेश्चन जीएस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आंध्र प्रदेश से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के द्वारा सीमा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है गुजरात के द्वारा। तो ये की गई है गुजरात के द्वारा। ओके, गुजरात के बारे में आप लोग जानते हैं, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेलवे मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टेशन सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में किसे फर्स्ट स्थान मिला है? तो ये दिया है चंद्रपुर एंड बलहारा शाह, ये दोनों को मिला है, मतलब बोथ दोनों को ये स्थान मिला है। ओके गाइस, सो आपकी यहाँ का आज का सेक्शन यही कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम कल की क्विज का आंसर सबसे पहले किसने दिया। तो गाइस, कल की जो क्विज का क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है न्यू दिल्ली ने, और इसमें सबसे पहले आंसर देने वाली थी रिफा अकील। ओके, उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है, तो विश यू ऑल द बेस्ट रिफा। एंड आज की जो हमारे क्विज का क्वेश्चन है, सिर्फ है लक्ष्मी बैंक, जो मैंने पहले समझा रखा है, इसके बारे में देखते हैं कौन कितना लिखेगा। सो आज के क्विज का क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देख सकते हैं। एंड डियर, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। बाय बाय डियर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।